अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम है मोइज़ और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शजी अब्बास। अस्सलाम वालेकुम यार, मुलाला को चेक किया? हाँ यार, पर उसकी स्टेटमेंट बड़ी दो नंबर स्टेटमेंट है। दो नंबर क्यों है यार? एक नंबर स्टेटमेंट है वो, इतनी लिबरल। वैसे मुझे पहले बताएं, आप फैन है मुलाला के? फ्रेंड्स रियूनियन में देख के आपको कैसा लगा मुलाला को? बीच में वैसे ही बस डाला ही है, सारे सेलिब्रिटीज जो आए हैं उनके पास डाला ही है, क्यों उनसे पूछने की जरूरत नहीं थी। अच्छा वो जो रैंप वॉक हुई थी ना, वो तो सही थी, आए बस करके चले गए। अच्छा वो लेडी गागा तो नहीं थी? लेडी गागा नहीं थी, बिली आइलिश थी वो। बिली आइलिश नहीं थी, लेडी गागा थी। मुझे पता ही नहीं है, सो काट दे। अच्छी बंदी यार। कैसा लगा फ्रेंड्स रियूनियन? एक ऑनेस्ट बात बतानी है आपने, रोए थे? बीच कुछ में सीन बता, मैं हर जगह नहीं, लेकिन अच्छा मेरा एक उसमें जब एंड हो रहा था ना, जब रियूनियन एंड हो रहा था, हाँ, और वो ब्लूपर्स दिखा रहे थे, कुछ चीज दिखा रहे थे उसमें, हाँ जाता है। मेरा उसमें एक ये कि उन्होंने जैसे रॉस और रेचल वाली स्टोरी को पूरा बताया है, फोकस किया, वैसे चैंडलर और मोनिका की करना चाहिए था। कर दिया, शादी होगी और क्या चाहता? नहीं, शादी तो शादी का क्या मतलब अभी जो फ्रेंड सीजन की बात नहीं कर रहा, रियूनियन में प्रॉपर मोनिका रेचल और रॉस के बताया गया कि यार हमने पहला क्रश कैसा हुआ था, क्या हुआ था, क्या फीलिंग्स थी हमारा क्रश था रॉस और रेचल की, हमने मतलब हमें क्रश था, हमने असल अपनी फीलिंग्स रॉस और रेचल के कैरेक्टर में था। मोनिका और उसका क्या नहीं था, था नहीं की बात नहीं कर रहा मैं, जो उनका वो क्या कैसा फील कर रहे थे, पेयर उनका बताया कि वो बताना चाहिए। ठीक है, मेरा ये ठीक है। छोड़ा यार, फ्रेंड से कहाँ गया, मलाला की बात कर रहे थे। मलाला कहती हैं कि शादी करने की क्या जरूरत है, पार्टनरशिप भी तो हो सकती है। पार्टनर ढूंढने यार, कहना नहीं चाहिए कैमरे में, नीचे एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि ये भी एक पार्टनरशिप करनी चाहिए। अच्छा वैसे बहुत अजीब सी बात है, पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्या वजाहत भी नहीं की ना उसकी कि मैं क्या कहना चाह रही थी। मेरा ख्याल यही कहना चाह रही थी, सब छोड़े। हाँ मथीरा, वीना मलिक ने कमेंट किया, वीना मलिक ने भी किया और मथीरा ने भी किया, हमारी लेजेंड मथीरा ने भी कमेंट किया। वीना मलिक ने तो कहा है कि पता नहीं कोई फजूल सी बात की है, मुझे सिर्फ बिग बॉस याद आया उससे। और मथीरा से मुझे वो याद है, मथीरा ने वैसे कहा कि सुन्नत को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो सब चीजें फॉलो कर रही हैं वो, सुन्नत, बाकी सारा ट्रेंड वेस्टर्न है। हाँ ये सुन्नत याद आई, सुन्नत याद आई, चलें देर आए दुरुस्त आए किसी पे तो आए। उसमें भी मेरा ख्याल है उसको अल्लाह मियाँ ने ना मतीरा को अब सिर्फ 60% ही बनाया है, बाकी 40 तो प्लास्टिक है उसकी। सही बात है, मैन मेड। वो पाकिस्तान की कार्डेशियन सिस्टर्स बनना चाहती है, सिस्टर नहीं है उसकी कार्डेशियन। यार कार्डेशियंस में से काइली जेनर कितनी प्यारी है, मैं देखा नहीं, देखूँगा, देखें। चलो देखते हैं। अच्छा खैर, मलाला ने बहुत कंट्रोवर्शियल एक बात कर दी। छोड़े हम मलाला को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पीएसएल शुरू हो रहा है। पीएसएल यार, पांच बंदे कोटा के जाने नहीं दिए, पर कुछ सीन हुआ जिसमें सरफराज डाल के ला रहे होंगे। सरफराज इनमें से एक है। सरफराज नहीं गया नहीं यार, मैं तो नहीं मानता। और कोटा के जो ओनर है उसने कहा है कि नो सरफराज नो कोटा। यार ये तो मुझे आपने अभी न्यूज़ सुनाई, मेरा सब ये तो गलत बात है। पिछले 3-4 दिन से सुनो, मैंने रेडियो पे भी सुना है, बड़ी खबर थी वो, कोई मसले शिसले हुए तो खैर पता नहीं क्या होता, सॉल्व ही हो गया कोई मसला। पीएसएल कितने मैसेजेस, मैं तो पीएसएल भूल भी गया, भूल गया, आधा हुआ। कितने आधा हुआ था? टॉप पे मेरे ख्याल है इस्लामाबाद, नहीं इस्लामाबाद मेरा ख्याल है वो है लाहौर या मुल्तान में से कोई, लाहौर हर जगह, अब हर जगह लाहौर, उनका सिर्फ लक इधर ही चल रही थी। अच्छा यार लाहौर अच्छी टीम है, लेकिन आप कोटा जीत नहीं सकते, आखिरी मैच जीती है बस, बड़े अरसे मुश्किल इतना मुझे याद है, बहुत बुरे हालात, उन्होंने बस अपनी स्ट्रीक तोड़ी आखिरी हारते कराची मुझे नफरत है, पहले भी हमने एक और दफा बोला था, नो ऑफेंस कराची टीम से, मतलब नफरत इन द सेंस। हाँ अजीब होते हो यार, अच्छा हो
बट ये कि वो आप कभी कराची गए? आपको जानना चाहिए, बहुत प्यारी जगह। नहीं प्यारी जगह, मेरे दोस्त बुलाते रहते, मैं अभी तक गया नहीं यार। वहाँ के लोग वाकई बड़े अच्छे। नहीं नहीं मैं खाप पे वहाँ पे ऐसे है ना यार, ये दोस्त कहते हैं दो दरिया घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे। कराची तो आप कहते हैं इस्लामाबाद जीतेगी? हाँ हाँ, मैं कहता हूँ मेरा दिल करता है इस्फलाबाद जीते। जीत जाए यार, प्लीज मेहरबानी करो, जीत जाओ। मुल्तान भी गेम में है वैसे तो, बहुत रिजवान चला हुआ है आजकल। यार छोड़े, हम कितने पीएसएल में लग गए हैं सर जी। लोगों को बताया यार हमें किस किन किन मसलों से गुजर रहे हैं यार। बहुत मसले यार, मतलब मैंने देखा है पास्ट रमज़ान से लेके अब तक हमें कोई ना कोई पॉडकास्ट में मसला ही रहा है। मतलब पूरी पूरी पॉडकास्ट जो हमने तबाह बर्बाद हुई है, बर्बाद हुई है। हमें नहीं समझ रही कैसे करते हैं सब कुछ ही यार, बहुत मसले चल रहे हैं। मुझे लगता है हमारे काले जादू वाली जो पॉडकास्ट है वो किसी बंगाली बाबा ने देख लिया और वो वहाँ पे सुईया गुजारा हमारी पॉडकास्ट। इसके लिए हमें इसके एंटीडोट के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। आ रहे हो? आएंगे जल्द। आ रहे क्या हल निकाले हैं? बहुत वाकयात है उनके पास वैसे जिनको हम बुलाने वाले हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हल इसका यही है कि हमें सपोर्ट चाहिए और तो कुछ नहीं। लाइक्स शेयर एंड सब्सक्राइब। ये तो हो गई इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। स्तन स्तन नहीं, स्तन माने दुबेरी। आपको प्रिंसिपल साहब ने याद किया? और सुनाए क्या चल रहा है यार? वो जिंदगी बहुत गर्मी, बहुत गर्मी यार। इस्लामाबाद में जो गर्मी है, मतलब इस्लामाबाद में अब लाहौर वाले कहेंगे कि वहाँ बड़ी गर्मी होती है, मुल्तान वाले वहाँ बड़ी गर्मी। हम इधर रहते हैं ना, इधर के भी बताएंगे। इस्लामाबाद में बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी यार, बहुत गर्मी। पिछले दिनों बारिश हुई है अलग है। हाँ हुई है, लेकिन कल का दिन भी अच्छा गुजर रहा था, जरा बादल थे, लेकिन आज जो गर्मी थी वो ज़्यादा गर्मी थी। कुछ नहीं होता, एक दिन आएगा ये गर्मी हमें कुछ लगेगी नहीं, जन्नत में जाएंगे। लग रहे हम जन्नत में ना जाएं। कहाँ जाएं फिर? मेरा मानना है कि हर अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह रहीम है, हमें माफ भी कर सकते हैं। और बट ये है कि हर कोई अपना टाइम गुजार के जन्नत में जाए, ये मेरा बिलीफ है। आपने सुपर नेचुरल तो नहीं देखा? नहीं सैम और डीन की तरह वापस आ जाए? नहीं 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 ऐसा तो कुछ। आपने सुपरनैचुरल देखा? ऐसे नहीं देखा यार, बहुत मैं देखा सीजन। अच्छा, इतना बकवास है उसमें। इतना मतलब अच्छा है, लेकिन इतना कुछ है इसमें, इतनी बकवास है कि बंदा कहता है यार बोर नहीं होता, बोर नहीं होता। ब्लैस्फेमी भी है, लेकिन उनके हिसाब से नहीं है, क्रिश्चियनिटी है उनका। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि इफ गॉड इज लाइट और नूर है वो, तो एक टाइम था जब इस यूनिवर्स में, इस कायनात में, या जो भी एक जगह जहाँ पे गॉड का नूर है, वो नूर नहीं था। तो वहां पे क्या था? रोशनी नहीं थी अगर ना, तो क्या था? तो वहां अंधेरा था, वर्ल्ड था। अंधेरा मतलब अंधेरा इटसेल्फ इज एक बीइंग है, डार्कनेस, और वो गॉड की सिस्टर है। अच्छा, नाउज बिल्ला? ना ऑब्वियसली नाउज बिल्ला, मतलब उन्होंने जब वो जीसस को बेटा कह सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट हैं। हम उनके ऊपर उनको, हम इस वक्त फटा के लिए नहीं बैठे, वैसे बात करें। उस दिन भी हमने एक बात कर दी थी तो हमें कमेंट आ गया था एक इंडिया वाली इंडिया से कमेंट आया था हमें, माफी चाहते हैं, माफी यार, माजरा। हम मजाक कर रहे थे, हम मजाक भी नहीं करना चाहिए था भाई भाई, लेकिन कभी जंग तो करो एक बार, कभी आओ ना। तो इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, फजूल बातें हैं बहुत। ये इसमें सबसे बुरी बात लगती है, हम बहुत मारेंगे, बहुत फजूल। जंग जंग किसी हालत में नहीं अच्छी है, फजूल बातें हैं। आपके पास में न्यूक्लियर हमारे पास भी है, सुनने में आया कि है आपके पास, ठीक है। अगर चला दिया तो दोनों आबादियां अफेक्ट तो होंगे। न्यूक्लियर नहीं होता, नहीं होता ना, वो ना आखिरी जंग बहुत पानी पे होगी यार। कुछ नहीं, मुझे लगता है आखिरी जंग होगी नहीं।
पहले फारिग हो जाएंगे, ऐसे अल्लाह में कहेंगे एक्सपायरी डेट आ गई है आप आ जाएं सारे। यार वो आप देख लें, आप इसराइल क्या कुछ कर रहा है, ये सबसे ज्यादा सीज फायर, बस उनको ना कैमरा वो मीडिया हटाने की जरूरत थी, बस सीज फायर। मैंने कल एक बच्ची देखी तस्वीर, जला हुआ था पूरा, बाल तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक गंजा हो गया था, छोटा सा बच्चा था, और फास्फोरस बॉम्ब की वजह से वो सड़ गया था, और वो बैंड है, वो किसी भी वॉरफेयर में वो बॉम्ब बैंड है। हाँ, केमिकल वेपन्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा मैं पिछले दिनों से, आई डोंट नो तुम्हें, आपको पता है कि नहीं पता, मैं कोई वेलफेयर ट्रस्ट या वो चीज़ वो ढूंढ रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप इसराइल को हेल्प कर सकें। इसराइल को क्यों हेल्प करनी यार, इसराइल सबर यार एक मिनट, यार एक मिनट, फलस्तीन गलत हो गया, मैं बोला फलस्तीन ही था, जिसमें जिसमें आप फलस्तीन और फलस्तीन के लोगों को हेल्प कर सकते। हाँ, इसराइल के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ मैं जानता हूँ एक ऐसी वेलफेयर ट्रस्ट को, असला बिजनेस। अगर कोई कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दें तो मैं बहुत, मुझे कोई वो मिल नहीं रही है ऑथेंटिक जिसमें मैं कंट्रीब्यूट करूं। नहीं आप उनको भेज देना ईदी वालों, हम मास्क ये मेरा न्यूक्लियर वेपन बनाने का तरीका, डिक्टेटर याद है ये मैं टीसीएस के थ्रू भिजवा रहा हूँ इंटरनेशनल, 2 किलो यूरेनियम, आधे किलो अंडे, केक बेक कर गए, यूरेनियम केक, अज्जा कहा कि तुम फट जाएगी। खैर खातिर हजरात, इंशाल्लाह मैंने जो सवाल के कमेंट सेक्शन में बता दें काइंडली, तो हम क्या करें, क्या करें, दुआ करें हमारे लिए इंशाल्लाह, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि अपग्रेडेशन। यार हम एक मीट एंड ग्रीट रखते हैं मुझे जी। किसका, हम आपके और हमारे जानने वाले, हाँ, हम और हमारे साथ भी हम ही होंगे। हाँ तो मीटिंग मास्टर इंटर हो गया, अस्सलाम वालेकुम, हम दोनों एक दूसरे के वाहिद फैन। यार फैन बन जाओ यार, कितना और क्या करे, चलो इंशाल्लाह पैसे लगाने पड़ेंगे ना, यूट्यूब तुम पे पैसे लगाने पड़ेंगे ना, रिश्वत खाती है बहुत पैसा, पैसा देने के लिए पैसे लेते भी हैं। देखना एक दिन हमारी पॉडकास्ट में मुरू जब आएगा ना, आएंगे, किसी को क्या पता मैं छोटा हूँ, इंशाल्लाह। अरे सब छोड़े आप, इंशाल्लाह छोड़े आप, किसी और को क्या बुलाएंगे, वो एक कंप्लेन आई है क्या, आप नहीं जानते उस बंदे को, मैं जानता हूँ, उन्होंने फीडबैक दिया है, उन्होंने कहा जब तुम्हारी और शावे वाली जो पॉडकास्ट थी बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन वो तुम्हारे जो सात भाई होते हैं उन्होंने कुछ बातें ऐसी की, मैंने पॉडकास्ट बंद की, मैंने पूरी भी नहीं देखी, मैं कहा मैं नहीं देखूंगा। क्या कंप्लेन आई कि यार ये कैसे मजाक, ये डिस्क्रिमिनेशन थी। मैंने कहा यार कौन था, मतलब हमारे को जानने वाले नहीं, मेरे कुलीग थे एक जगह पे, मतलब वो जब आ रहे थे तो मैं छोड़ा था उस जगह से, लेकिन अच्छा। उन्होंने कहा यार मुझे बुरा लगा, देखें सर दूसरी एक और बात, उन्होंने कहा तुम्हें बोलने नहीं देते। आपको फीडबैक चाहिए, उन्होंने दिया, उन्होंने मुझे ऐसे बिठाया था, अस्सलाम वालेकुम शरीफ, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मुबारक हो तुम्हें, और बैठो मैंने कुछ तुम्हें क्रिटिसाइज करना है। मैं कहा ओहो, फिर उन्होंने बताया मुझे, मैं सुनता रहा, मुस्कराता रहा, मैं कह चीज़ ठीक है। अच्छा तो जो भी भाईजान हैं हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, पहले तो अगर आप अफेंड हुए इस चीज़ से तो मेरी तरह से माजरत, बट मैं क्लेरिफिकेशन ये देता जाऊँ कि मेरा शजि और शाफे का जो बॉन्ड है ना वो हमारे बीच में चलता है, ठीक है, मतलब हम मजाक, मतलब हमारे ग्रुप में ही हम मजाक करते हैं, बहुत एक्सट्रीम भी करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, ठीक है, कोई मजाक हंसी मजाक शोहल मेला में गुजार देते हैं, कोई भी सीरियस नहीं होता। सेकंड ये चीज़ जो आपने पॉडकास्ट में मतलब बोलने नहीं देते, टाइम देते, देखे इसका भी ज़बान तो है ही, बोल तो ये भी सकता है, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करता हूँ कि यार तू ना बोल या कुछ भी ना कर, तो मैं बात तो नहीं काट सकता ना आपकी, नहीं बात नहीं काट सकते, अपनी बात नहीं काट सकते ना, बात तो नहीं काट सकते ना मैं आपकी, लंबी तो कर सकते हो ना बात, लंबी करूंगा मैं, चले लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं आपकी बात नहीं काट सकता, काट सकते, काट सकते, काट सकते हो, तो नॉक नॉक हूज देयर,
इंटरप्टिंग कंडक्टर, परे 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 परे। तो फिर भी माजर करते हैं, ऑफेंड हुए आप, नहीं आप पॉडकास्ट हमारा दोबारा देखे, कोई मसला नहीं इसमें, इन्होंने भी मेरी थोड़ी ली है उसमें, तो एक जिगर जो थी वो पूरे पे हावी थी, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ अगर आपने वो सुनी हो तो। नहीं नहीं, हम लोग हिसाब बराबर कर लेते हैं। हाँ तो इनके पास एक ही पॉइंट है, हम काफी बना लेते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में होपफुली इनको मौका देंगे। मैं कहता हूँ यही बोले अगले पॉडकास्ट, मैं चुप ना, ऐसे तो ना, नहीं नहीं तू ही बोल गया, नहीं नहीं यार वैसे नहीं, यही बोलेंगे, आप खुश हो जाएंगे अगर आप लोग देखें ये बोलेगा तो, इसी पैटर्न का आप होंगे तो सही ना पॉडकास्ट। मैं बैठा रहूँगा बच्चों का यार, ऐसे तो नहीं यार, आप लोग डिमांड करें तो मैं क्या करूँ, देखते हैं अगली बारी। चलो अगली बार देखते, स्टे ट्यून्ड, मलाला के बारे में जरूर बताना। वो मथीरा और उसने सिर्फ कौन सी दूसरी वाली नाम नहीं याद आ रहा, वीना मलिक, वीना मलिक, उनके बारे में लास्ट में बताया। ओके, स्टे ट्यून्ड, ख्याल रखें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, अल्लाह हाफिज़। देखा बोलने नहीं दिया। तो ये वैसे किसने बात की है यार, लोगों को लगता होगा, अब क्या करें, मुझे लगता है यार करेंगे ना बात ऐसी, तो तू बता, तुझे अगर लगता है तो बता, ऐसी पॉडकास्ट में यार बता दे यार, मिस कर रहे हैं यार, चलें यार तू बता दे, मैं चुप बैठ रहा हूँ, अगली बार देखते।